सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। तो दोस्तों, कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप हो चुके हैं। और दोस्तों, साथ ही आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि इस बार जो है लास्ट वैकेंसी के कंपेरिजन में जो ऑनलाइन फॉर्म है ये काफी कम फिलअप हुए हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम विथ प्रूफ बात करने वाले हैं कि इस बार जो है कोस्ट गार्ड नाविक जेडी और डीबी के लिए टोटल कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं, और साथ ही इस बार आपका जो कंपटीशन है ये किस लेवल पर होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी के लिए जो फॉर्म है ये आपके 6 फरवरी 2023 से शुरू हो गए थे, और इसको जो है फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो पहले कोस्ट गार्ड के द्वारा 16 फरवरी 2023 रखी गई थी। लेकिन दोस्तों, 16 तारीख को फिर से कोस्ट गार्ड के द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक अपडेट जारी करके बताया गया था कि जो अब फॉर्म भरने की लास्ट डेट है इसको यहाँ पे एक्सटेंड किया जाता है 19 फरवरी 2023 तक, जिसके बारे में हमने भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया था। तो दोस्तों, कल शाम तक जो है नाविक जेडी और डीबी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे। तो दोस्तों, ये चेक करने के लिए कि इस बार जो है कितने फॉर्म यहाँ पे भरे जा रहे हैं और किस प्रकार से जो है आपका कंपटीशन रहने वाला है, तो इसीलिए जो है हमने भी नाविक जीडी और डीबी की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, जो कि एक डुप्लीकेट फॉर्म है। और हमने जो फॉर्म फिलअप किया था ये करीब सुबह 11 से 12 बजे के बीच में फिलअप किया था। तो आप लोग जो है स्क्रीन के ऊपर नाविक डीबी का फॉर्म देख सकते हैं, CGEPT 02 2023 बैच के लिए। और आप लोग देख सकते हैं कि जो सुबह 11 से 12 बजे के बीच फॉर्म भरा गया था तो उस टाइम जो है आपके टोटल 1,43,609 एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा चुके थे, ठीक है। और इसके बाद में फिर हमने जो है नाविक जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई किया लगभग 1 घंटे के बाद में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला वो मिला 1,43,711, यानी कि 1 घंटे के अंदर लगभग जो है 100 से 110 एप्लीकेशन फॉर्म और ज्यादा फिलअप हो चुके थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है शाम तक जो है फॉर्म भरे गए थे। और अगर हम अप्रोक्स आइडिया लगाएं कि यहाँ पर जो है टोटल कितने एप्लीकेशन फॉर्म आए होंगे नाविक जेडी और डीबी टोटल मिला करके, तो दोस्तों आप लोग मान करके चल सकते हैं कि इस बार जो है टोटल 1,70,000 से लेकर 1,75,000 के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे नाविक जेडी और डीबी को मिला करके आए हैं, ठीक है। तो इस बार जो है आपका कंपटीशन थोड़ा सा कम यहाँ पे रहने वाला है। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। इस बार जो है आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करके जो है नाविक जेडी और डीबी एग्जाम को क्रैक यहाँ पे कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो है इस बार कॉम्पिटिशन कम क्यों हुआ है, तो इसके पीछे जो है दोस्तों 2 से 3 रीजन हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इस बार नोटिफिकेशन के अंदर जो है यांत्रिक की पोस्ट नहीं थी, तो यहाँ पर जो है यांत्रिक के कैंडिडेट्स हट चुके हैं, तो पहला रीजन तो ये हो जाता है। दूसरे रीजन को लेकर बात करें तो दोस्तों इस बार जो है नाविक डीबी में पोस्ट जो है वो कम निकाली गई है, तो इस वजह से भी कैंडिडेट्स ने जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोग ये भी जानते हैं कि अभी रिसेंटली जो है आपके नेवी का भी एग्जाम हुआ है और एयरफोर्स का भी एग्जाम हुआ है, तो उसमें से भी जो है काफी कैंडिडेट्स का एयरफोर्स एग्जाम में सिलेक्शन हो गया है, तो उस वजह से भी जो है यहाँ पे कैंडिडेट्स ने फॉर्म नहीं भरा है। तो ये आपके 2 से 3 रीजन हो जाते हैं। तो इस बार जो है आपके टोटल फॉर्म जो है वो लगभग 1,75,000 के करीब भरे गए हैं, तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें और इस बार जो है एग्जाम को क्रैक आप कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो नई क्लासेस है कोस्ट गार्ड नाविक जेडी और डीबी के 2023 एग्जाम के लिए वो शुरू हो चुकी है, और हमारी जो नई प्लेलिस्ट है वो भी हमने बना करके यहाँ पे तैयार कर दी है। आप लोग चैनल के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं, हमारी डेली यहाँ पे क्लासेस चल रही है, तो आप लोग इनको अटेंड कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, जिससे कि आप लोग अपनी बेहतर लेवल की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले जो है कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, हमारी जो क्लासेस की PDF है, नोट्स है, वो भी आपको टेलीग्राम पर मिलते हैं। और कोस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जो है हमारे रेगुलर क्विज चलते हैं, जो कि आप लोग जो है टेलीग्राम पर अटेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा। चैनल के ऊपर अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।